हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। और हमारे भाई लोग का काफी जरा सवाल था कि अगर हम लोग कुवैत में आ रहे हैं, इंडिया से कुवैत, तो पूरा खर्चा कितना लगेगा 2023 में। और हमारे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही यानी कि गरीब वगैरह हैं, जैसे कि उनको पैसा की बहुत ही कमी है और उन्हीं लोग कुवैत में आना चाहते हैं जिनके पास पैसा बहुत ही कम होता है। और वो लोग कुवैत में नहीं आना चाहते हैं जिनके पास पैसा काफी ज्यादा होता है, और वो सोचते हैं कि हम कुवैत में क्यों जाए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जिन लोगों को कुवैत में आना है 2023 में, आज मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा यानी कितने पैसा के अंदर में आप लोग आ जाओगे, आप लोग को क्या काम करना है। इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के बीच काफी ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप लोग तो यार लाइक भी बहुत ही कम करते हो यार, मैं देखकर बहुत ही मुझे अफसोस होता है। मेरे प्यारे ऑडियंस जितने हैं वो लोग लाइक करना भूल जाते हैं कि ये भाई आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता है, लेकिन आप लोग की मर्जी होती है। बहरहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो 2023 में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को, जैसे कि अगर आप लोग किसी एजेंट का साथ पकड़ लेते हो, किसी एजेंट के द्वारा आप लोग कुवैत में आते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी ज्यादा इसमें पैसा खर्चा हो जाता है। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप लोग को किसके द्वारा आना चाहिए कुवैत में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमको कुवैत में कैसे आए और कितने कम पैसे में आए। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं यार 50,000 रुपए में आ जाते हैं, बहुत से लोग 70,000 में आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लगाकर आते हैं कुवैत में, और उनको यहाँ पे उस लेवल की जॉब नहीं मिल पाती है कि जिस तरह से वो लोग सोच रहे थे इंडिया में। और उनको काफी ज्यादा बहकाया जाता है कि आपको हम कुवैत में काफी अच्छा पैकेज देने वाले हैं, काफी अच्छी सैलरी देने वाले हैं, लेकिन वो लोग को कुवैत में इतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कुवैत में कम पैसे में आकर ज्यादा ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, और कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर, जैसे हमारे इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे मिल जाती है तो वो लोग लगभग 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ कमा लेते हैं, लेकिन कुवैत में आप लोग यहाँ पे कमा लोगे। मैं चलिए आप लोग को बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोग को काफी कम पैसे में आप लोग को मैं बुलवाने वाला हूँ, यानी कि काफी कम पैसे में आप लोग कुवैत में आ जाओगे, और वो कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से आप लोग कम पैसे में आओगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, आप लोग सबसे ज्यादा पैसा किसके द्वारा, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जैसे आपका लगता है आप लोग एजेंट के द्वारा आते हो उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि एजेंट बीच में आ जाता है, उनको भी थोड़ा फायदा चाहिए एजेंट। अच्छा, आप लोग ये बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, उन लोगों की रोजी होती है, रोजी यानी कि वो लोग दलाली करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी दलाल के द्वारा आए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई दलाल बीच में आ जाता है ना, वो हमेशा आपसे कैसे भी पैसा छीनने की कोशिश करेगा, यानी कि आप लोग का पैसा जैसे कैसे भी निकालेगा, बोलेगा कि आपका वीजा बहुत ही गुड है, कुवैत में आप लोग कम से कम 70-80 हज़ार कमाओगे, और आपको हेल्थ सर्टिफिकेट यानी कि सब कुछ आप लोग के लिए रहेगा वहां पे, सब कुछ यानी कि हॉस्पिटल फ्री, खाना पीना ऐसा पूरा आपको बताएगा, रूम फ्री और खाना पीना कंपनी देगी, आप लोग को पूरा ऐसा झूठ बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुवैत में लगभग 99% कंपनी ऐसी है जो आपको रूम दे सकती है लेकिन खाना कभी नहीं देगी, 99%। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग आपको क्या बताते हैं कि खाना भी देगी रूम भी देगी। भाई मैं यहाँ पिछले 6 साल से कुवैत में रह रहा हूँ, भाई कोई भी मुझे कंपनी ऐसी नहीं मिली कि आपको कहेगी कि हाँ मैं खाना भी दूंगा, रूम दे सकती है, मैं बताता हूँ रूम दे सकती है, ये है बात सही है, लेकिन खाना मैंने देखा है कि कोई भी कंपनी नहीं देती है, यहाँ तक कि रूम को पैसा देती है। मान लेते हैं अगर कंपनी में रूम नहीं है तो आपको रूम का पैसा देती है 20-25 दिनार, लेकिन कभी भी आप लोग को खाने का पैसा नहीं देगी। अगर आपको कहीं पे खाने का पैसा मिलेगा, और अगर आप लोग कहीं किसी दूसरे बंदे की वीडियो देखकर अगर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, एक बार कमेंट कर देना ताकि मैं भी जानूं कि यार कौन ऐसा वीडियो बनाता है जो खाने का पैसा यहाँ पे कंपनी देती है। आप लोग को खाने का पैसा कहीं पे नहीं मिलता, बस आपका कफील, यानी कि कुवैत में जब आप लोग आओगे ना आपका बस कफील आपको खाने का पैसा देगा, बाकी किसी भी दूसरे बंदे को भरोसा कभी मत करना कंपनी में। जब भी कोई एजेंट वगैरह आप लोग को ये बात बोले ना, पक्का वहां पे समझ लेना फ्रॉडी कर रहा है, आप लोग से पैसा अंगेटने की कोशिश कर रहा है, पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। और हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो एजेंट वगैरह के द्वारा आते हैं, काफी ज्यादा उनको चूना लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी आप लोग के साथ कभी भी धोखा हो। और यार मैं देखता हूं यहां पे सुन वीजा में वो लोग 2-2, 4-4 लाख रुपए लगा के लाते हैं, और उनको यानी कि काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जितने हमारे ऑडियंस हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको किसी भी तरह के कोई आने में प्रॉब्लम हो। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ, जैसे अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो एक जेन्युइन तरीके से, एक रियल तरीके से, और किसी भी बीच में, जैसे कि आपके बीच में कोई भी बंदा नहीं है ना, कि आपके बीच में एजेंट है ना, कि आपके बीच में कोई ऐसा बंदा है कि वीजा निकालेगा वो निकालेगा, जैसे कि आप लोग के बीच में जब, जैसे कि आप लोग अगर ऑफिस से वीजा लेना चाहते हो, आप लोग ले सकते हो, वहां पे भी पैसा थोड़ा वो लोग चार्ज पकड़ते हैं। तो ऑफिस के ऊपर है ना, जैसे कि आपका वीजा घर में काम करने के लिए है तो आपका चार्ज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि घर का वीजा होता है ना,
कोचिंग वगैरह वहाँ पे अपना पूरा जैसे कि डॉक्यूमेंट दे दें कि हमको बंदे चाहिए यहाँ पे हेल्पर वगैरह, जैसे कि हाउस बॉय के तौर पर हमारे घर में कोई भी बंदा नहीं है काम करने के लिए, तो वो लोग ऑफिस में अपना जैसे कि पूरा इशू करा देते हैं अपना पेपर वगैरह। और अगर आप लोग ऑफिस के द्वारा आना चाहते हो तो आप लोग को यानी कि पैसा बैठ जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा बैठ जाता है पूरा टिकट माँ टिकट यानी कि बोलते हैं ना टिकट पीसीसी और पूरा मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट और पूरा स्टमी वगैरह का आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए मार जाओगे। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 50,000 तक रुपये में आ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस फ्लाइट का पैसा आपका लगेगा, बाकी स्टडी वगैरह तो लेते ही हैं और पीसीसी आपके ऊपर है और बीच में क्या पड़ता है मेडिकल वो तो आपका देना पड़ेगा। लेकिन यार काफी ज्यादा पैसा लगता है, मैं आपको यार क्या बताऊँ, काफी ज्यादा हमारे भाई लोग हैं वो लोग यार काफी ज्यादा नुकसान उनको हो जाता है और कोच में उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। उसका रीजन यह है कि वो लोग गलत बंदे का साथ पकड़ लेते हैं, गलत चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो गलत चीज पीछे मतलब यह है कि अगर आप लोग कोच में किसी दूसरे दलाल के द्वारा आओगे ना, आपको यहाँ पे 100% सिक्योर नहीं है कि आप लोग को अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पे किसी दोस्त यार यानी कि अगर आपका कोई दोस्त यार रह रहा है, मान लेते हैं अगर दोस्त यार के द्वारा अगर आप लोग वीजा में आते हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप लोग को यहाँ पे जॉब ठीक ठाक मिलेगी, बहुत ही अच्छी मिल सकती है, बहुत भी अच्छी नहीं यानी कि मीडियम जॉब मिल सकती है। और बात कर लेते हैं कि आप लोग कम पैसा में कैसे कोच में आए और कितना पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी कंपनी में अभी एक बंदा यहाँ पे आया है, सूर वीजा पर आया है और उसका भाई वीजा निकाला था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज ही मैंने उसको देखा है और मुझे पूरा दिखा रहा था कि भाई देख लीजिए मेरा वीजा है और अभी यहाँ पे 3 महीने का टाइम है तो यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा भाई आप कितने पैसे में आए हो, तो उसने बोला कि मेरा वीजा फ्री में निकला था और मेरा भाई यहाँ पे रहता था और जिसकी वजह से वो फ्री में आ पाया है, क्योंकि ये कंपनी का वीजा है ना, कंपनी का वीजा फ्री में निकलता है, थोड़ा मोड़ा टिकट वगैरह पैसा लगता है। और अगर बीच में कोई बंदा आया नहीं ना, उसका भाई यहाँ पे रहता था बड़ा भाई और ये छोटा भाई है, जिसकी वजह से वो कोच में आराम से आ सका। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि बस टिकट का पैसा, मेडिकल का पैसा, पीसीटी का पैसा, स्टम्पिंग का पैसा बस उसी का पूरा पॉकेट से गया है, बाकी उसका कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पैसा नहीं लगा, यानी कि बीच में कोई भी दलाल नहीं आया ना कि कोई वो आया है। जैसे कि बीच में बोलते हैं भाई मैंने आपका वीजा निकाला है प्लीज कुछ हेल्प कीजिए, तो यार वो लोग ऐसे होते हैं ना, आपको कैसे भी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। और ये भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी सैलरी यहाँ पे 250 KD सैलरी है, इंडिया का लगभग 50 से 60 हजार रुपया पर मंथ कमाएगा कोयत में, और इससे ज्यादा भी सैलरी हो सकती है क्योंकि उसकी स्किल के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसको सैलरी कितनी मिलने वाली है। लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी में स्टार्टिंग में इसकी सैलरी 250 दिनार है और इसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है यानी कि काम के बारे में, वो इंडिया में कभी भी कोई जॉब नहीं किया है और यानी कि यार वो 50 से 60 हजार रुपये में कोयत में इजिली आ गया है। और हमारे भाई लोग आते हैं यहाँ पे कोयत हाउस में काम करने के लिए, मजरा का वीजा पाए जाते हैं तब भी 2-2 लाख रुपये लगा कर आते हैं। जब मैं ये स्टोरी सुनता हूँ यार वो लोग बहुत ही काफी यानी कि बहुत ही इनोसेंट बोलते हैं यानी कि मासूम होते हैं, उन लोगों को कोई भी तरह की जानकारी नहीं होती है। वो लोग सोचते क्या है, हमको वीजा मिल गया है, हम कोयत जा रहे हैं, उनको क्या पता कि कोयत में आने के बाद उनकी लाइफ यहाँ पे खराब हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये आपका भाई है, आपको बता रहा है पूरी लाइफ स्टोरी कैसे वो लोग यहाँ पे आते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का इतना मकसद है आप लोग को कोई भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, किसी भी तरह की आपको यानी कि अंदर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। बस मेरा वीडियो बनाने का इतना मकसद है कि आप लोग को पूरी सही से इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप लोग को कोच में आने के बाद पता चले कि हाँ भाई ये सच्चाई है, यहाँ पे ऐसे होता है। और जब मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं आप दिल्ली वगैरह में काम करते हैं और वो लोग यार काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका कोयती काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी करता है, अगर भेड़ बकरियां भी हैं तो उनको अगर भेड़ बकरियां कैसे भी करके मर भी जाती है ना, उनकी सैलरी भी काट लेता है यार। और वो लोग बोलते हैं कि भाई हम जब कोयत में आ रहे थे हम ऑफिस से वीजा लिए थे और यानी कि हमने 1 से 1.5 लाख रुपया पैसा दिया यानी कि अपने दूसरे बंदे को, जैसे कि जो भी वीजा निकालता है बीच में तो भाई कैसे भी दलाल आ जाते हैं मुझे पता है। और आप लोग जिस बंदे को वीजा निकालने के लिए बोलोगे ना वो भी अंदर सोचेगा कि यार थोड़ा मोड़ा इसे पैसा ले लेते हैं, 50,000 रुपया, 50 दिनार या 100 दिनार ऐसे करके पैसा वो लोग ले लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी वीजा निकालेगा फिर उसके बाद वीजा तो फ्री रहेगा, बोलेगा हम अपने आर्मी को बुला रहे हैं यानी कि इंडिया में है, बीच में बंदा रहेगा जो आपको वीजा निकालेगा ना वो तो यार पैसा खाएगा ही खाएगा। बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं, रेयरली बोलते हैं यानी कि थोड़े ही परसेंट, लगभग 2 से 4% ऐसे हैं जो किसी भी बंदे से पैसा नहीं खाते हैं। तो अगर आप लोग कोयत में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भाई थे यहाँ पे कोयत में आए थे
और काफी फ्री में आए थे, यानी कि फ्री में कुवैत में आ गए। यानी बोलते हैं भाई, जैसे कि अगर आप लोग इंडिया से इंडिया में घूमेगा ना कुछ पैसा लगेगा ना, लेकिन ये भाई कुवैत में आए एकदम फ्री में। वो क्या जोड़ेंगे यार, टिकट वगैरह पैसा छोड़ो, वो तो उनका एंजॉय हो गया और एकदम फ्री में आ गए। मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, एकदम फ्री में आ गए, यानी कि मेरा कोई भी ये क्लिक बेट नहीं है, एकदम फ्री में कुवैत में आए और वीजा फ्री, बस टिकट पीसीसी मेडिकल उसको पैसा लगा, और फ्लाइट वगैरह का पैसा तो भाई लगता ही लगता है। अगर आप लोग इंडिया से किसी दूसरे स्टेट में जाओगे ना, आपको पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई आकर 50 से 60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, और अभी पहले मंथ तो में स्टार्ट सैलरी 250 दिनार स्टार्टिंग है, और बताया कि अगर आप काम अच्छा करोगे ना, आपकी सैलरी 350 दिनार यानी कि 90 हज़ार रुपया सैलरी हो जाएगी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे एक बंदा कम यानी कि फ्री वीजा में ज्यादा ज्यादा सैलरी कमा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ज्यादा पैसा लगाकर आते हैं कुवैत में और कम से कम पैसा कमाते हैं, यानी कि 30-40 हज़ार, 30 हज़ार, 32 हज़ार, 35 हज़ार, 25 हज़ार कमाते हैं, और काफी ज्यादा उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन ये जो बंदा कुवैत में आया है, मेरी कंपनी में काम कर रहा है, तो मैंने पूछा कि भाई आप इतनी आसानी से कैसे कुवैत में आ गए। बोला कि भाई हमारा भाई रहता था और उसने एक सोर्स लगाया था जिसकी वजह से मैं फ्री में आया हूँ, लेकिन इस वीजा को पाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन इस बंदे ने काफी यानी कि टैलेंटेड दिमाग से, यानी कि काफी सोच बूझ कर इसका वीजा निकाला, क्योंकि उसका खुद का भाई है ना भाई, वो पैसा क्यों पकड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो को मैं यहीं पे पूरा मिच्योर करना चाहता हूँ, यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत में आते हैं काफी ज्यादा पैसा लगाकर, वो कम पैसा कमाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत ही कम पैसा लगाकर आते हैं काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये आपके लक के ऊपर होता है, लेकिन इसमें लक भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से वीजा पकड़ने वाले हो। अगर आप लोग वीजा पकड़ोगे दलाल से, तो आपको भाई लक दोनों काम कर सकता है, क्योंकि आपको दलाल बोलेगा काफी अच्छी जॉब मिलेगी, उसमें मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, तो भाई आपको उसमें धोखा भी मिल सकता है। अगर आप लोग आते हो किसी दोस्त यार के कहने पर और वीजा मिल जाता है, तो उसमें आपको धोखा मिलने का चांस कम रहेगा, क्योंकि अगर धोखा मिलेगा तो आप सीधा दोस्त को पकड़ोगे, क्योंकि दोस्त पास के होते हैं, और उसमें तो आप लोग को हो सकता है बहुत ही कम चांस मिले धोखा मिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा सैलरी मिलती है इसमें, और भाई कंपनी में काम करते थे, अगर आप लोग कुवैत हाउस में काम करोगे ना, तो उसमें भी वीजा फ्री में मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर अलविदा कहते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज ड्यूटी से आया हूँ, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, और मेरी थोड़ा सर दर्द भी कर रहा है। तो चलिए आज वीडियो को इसमें अलविदा कहते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगा करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग को पता नहीं कि भाई हम लोग यहाँ पे कैसे जॉब करते हैं। मेरी ड्यूटी है सुबह में लगभग 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं जाता हूँ सुबह में 5:30 बजे या 6 बजे। आप लोग को बता देता हूँ यार, मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ कुछ में, और जो मेहनत करता हूँ मैं आप लोग को भी बताता रहता हूँ, कोई भी मैं झूठ वगैरह नहीं बताता हूँ। आप लोग मेरे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, और मैंने पहले भी आज के कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी किस तरीके से मेरी जॉब है, किस तरीके से मेरे काम रहता है, और काफी ज्यादा मेहनत रहती है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को अलविदा कहता हूँ, और आप लोग को मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया।